Hello everyone, welcome back. हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ एंड मैं आज सुबह से लेके रात तक क्या क्या करूँगी सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बज रहे हैं सुबह के करीबन 8:15, मुझे 8:30 पर निकलना था कॉलेज के लिए। आई एम लेट और इतना ज़्यादा ठंड है कोलकाता में कि क्या बताऊँ मैं आपको, और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है तो मुझे अभी 2-3 लेयर्स डालना पड़ेगा। आज हम कैजुअल पहन सकते हैं वरना वी हैव टू वेयर आवर यूनिफॉर्म। तो अभी मैं जल्द से जल्द रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर कितना ज़्यादा ठंड है, बट कोलकाता में फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं जल्द से जल्द रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। Great outdoors, forever free. Hey guys, तो अभी बज रहे हैं करीबन 12। As I told you in the morning that today I had to go to my college. College का काम अभी हो गया है and now I am going to Pizza Hut to have some pizza. You know I just love pizza. Pizza is my favorite. तो अभी जाके देखती हूँ क्या खाती हूँ। एंड यहाँ पे अभी भी इतना ज़्यादा ठंड है, दोपहर हो गया है बट फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड है यार। एंड निको पार्क के पास में जो पिज़्ज़ा हट है ना, आई एम गोइंग देयर। और मैंने लास्ट वीक ही पिज़्ज़ा खाया था बट फिर भी थोड़ा सा मूड हुआ कि चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। एंड कॉलेज से एकदम पास ही है पिज़्ज़ा हट, 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। सो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, देखते हैं कौन सा फ्लेवर खाते हैं पिज़्ज़ा में। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। और सुबह मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था कि मैं कुछ व्लॉग वगैरह कर नहीं पाई। चलिए हम चलते हैं पिज़्ज़ा हट, थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाते हैं। सो राइट नाउ आई एम इन पिज़्ज़ा हट एंड मैंने ऑर्डर किया है एक अनियन पिज़्ज़ा एंड एक कॉर्न पिज़्ज़ा। लेट्स सी कैसा होता है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time. Clear to see from up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. हे गाइस, अभी मैं जस्ट घर पे लौटी हूँ। अभी करीबन 2:30 बज चुके हैं, अभी मुझे नहाना भी है। नहाने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ, रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो मेरा नहाना अभी हो गया है एंड मैंने आज थोड़ा सा शैम्पू वगैरह किया है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, दिस इज मामा अर्थ उबटन बॉडी बटर विद टर्मरिक एंड हनी फॉर डीप नरिशमेंट। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है मामा अर्थ की एंड मैंने इसको कुछ दिन के लिए ट्राई किया, उसके बाद आज मैं इस वीडियो पे आप लोगों से छोटा सा रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम ब्रांड के बारे में बात करते हैं। तो मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, दे रिसाइकल प्लास्टिक्स मोर देन दे प्रोड्यूस एंड इनके जो प्रोडक्ट्स होता है ना वो नेचुरल होता है, केमिकल फ्री होता है, उसके साथ साथ PETA सर्टिफाइड भी है। तो आज की जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है उनकी उबटन बॉडी बटर, जो उनकी एक नया लॉन्च प्रोडक्ट है। सबसे पहले ना हम इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो एज यू कैन ऑलरेडी सी हियर दैट ये एक व्हाइट एंड ग्रीन कलर की ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन टू यूज लिखा हुआ है, उसके साथ साथ कैसे आप हेल्दी एंड मॉइस्चराइज स्किन पा सकते हो उसकी टिप्स यहाँ पे लिखा हुआ है।
ये जो जगह है यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायर डेट, प्राइस आई मीन एमआरपी सब कुछ लिखा हुआ मिलेंगे। इस साइट पे ना आपको जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज किया गया है वो सब डिटेल्स में मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट पे तो काफी सारा इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है, बट इसकी जो एकदम की इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड किया गया है टर्मरिक हनी एंड शिया बटर, जो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से डीपली नरिश्ड करता है और इसके साथ साथ जो ड्राइनेस का प्रॉब्लम है उसको भी एकदम करता है टाटा बाई बाई। एंड उसके साथ साथ आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी ये एकदम इम्प्रूव करता है। एंड एज द नेम ऑलरेडी सजेस्ट दैट दिस इज अ उत्तन बॉडी बटर, इसको जब आप अप्लाई करोगे तो ये स्किन के ऊपर एकदम बटर की तरह स्मूथली ग्लाइड ऑन हो जाता है और जब आप टच करोगे आपकी स्किन को तो आप फील करोगे कि स्किन एकदम बटर की तरह सॉफ्ट हो गया है, स्मूथ हो गया है। ऑल्सो ये आपकी स्किन को बहुत देर तक मॉइस्चराइज भी रखेगा। तो चलिए ये था सब इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में। अब हम प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं इनर पैकेजिंग कैसा है। तो ये रही वो इनर पैकेजिंग, इसके अंदर प्रोडक्ट है। ये एक व्हाइट कलर की प्लास्टिक कंटेनर में आता है, यहाँ पे भी सब इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। एक चीज मैं बोलना भूल गई थी कि मामाअर्थ की जो भी प्रोडक्ट्स है सब पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड उसके साथ साथ सब जो स्किन टाइप्स है उसको सूट भी करता है। तो मेरा जो स्किन है वो है ऑयली, अगर आप किसी और स्किन टाइप से हो रादर देन ऑयली एंड आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है। तो चलिए हम प्रोडक्ट को ओपन करते हैं एंड दिखाते हैं कैसा है प्रोडक्ट। तो इसके अंदर है ऐसा एक कैप जिसको ओपन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया है ओपन एंड यहाँ पे है हमारा प्रोडक्ट। एज यू कैन सी दैट ये ऐसे येलो कलर में है एंड एग्जैक्टली बटर की तरह ही लग रहा है प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा थिक है बट अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाता है, स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके स्किन को ये बहुत देर तक मॉइस्चराइज भी रखेगा। तो अभी मैं इसको मेरी पूरी हैंड पे अप्लाई कर दूंगी। इसको अप्लाई करना भी इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, लगता है कि मैं बटर को अप्लाई कर रही हूँ मेरी स्किन के ऊपर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रही मेरी दोनों हैंड, इस पर मैंने अप्लाई किया है एंड ये जो हैंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। इसका जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी हम थोड़ा सा प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 200 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे एंड इसका जो एमआरपी है ना वो है 599 रुपीस। बट अगर आप mamaearth.in से शॉपिंग करते हो एंड मेरे दिए हुए इस कूपन कोड को आप अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएंगे इंस्टेंट 20% ऑफ mamaearth के प्रोडक्ट्स mamaearth.in के अलावा नाइका एंड अमेजोन पे आपको मिलेंगे। बट मेरी जो ये कूपन कोड है वो सिर्फ और सिर्फ mamaearth.in पे ही अवेलेबल होंगे। प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको जहां से परचेज करना है यू कैन गो एंड बाय इट फ्रॉम देयर। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड आई हाईली रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू, यू कैन जस्ट गो एंड ट्राई दिस आउट। तो ये तो रही प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। अभी मुझे लंच करना है, उसके बाद मुझे एडिटिंग करना है एंड वीडियो शूट करना है, बहुत कुछ मुझे करना है। एंड आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं आपको सुबह से लेके रात तक आज क्या क्या करने वाली हूँ सब कुछ शेयर करूँगी। तो देखते हैं क्या क्या मैं आज करती हूँ। और एक बात है कि आज मेरी फादर बनाने वाले हैं पीठा बंगाली पे, जो एक बहुत ही पॉपुलर डिश है, विंटर पे हम लोग बनाते हैं। तो वो बनाने वाले हैं, मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो बस अभी चलते हैं, थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मैं क्या करती हूँ। अभी बज रहे हैं 7 अभी मुझे एक वीडियो फिल्म करना है। दोपहर को लंच के बाद मैं सो गई थी, बहुत लेट हो गया था लंच करने में, उसके बाद मैं सो गई थी। थोड़ा सा नींद नहीं आया था बट मैं थोड़ा सा मोबाइल को स्क्रॉल कर रही थी, यूट्यूब को, एंड अभी मुझे एक वीडियो शूट करना है। अभी मैं इस सेटअप को ही यूज़ कर रही हूँ, मैं वहाँ पर बैठ के वीडियो फिल्म करूँगी। तो अभी मैं जल्द से जल्द वीडियो को फिल्म कर लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी के लिए बाय।
हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ जाए वीडियो। हेलो एवरीवन, वेल। तो अगर आपको ये आपकी अभी हे गाइस, तो अभी मैंने दो वीडियोस फिल्म कर दिया है और अभी करीबन 9 बज रहे हैं घड़ी पे एंड मुझे अभी एकदम मन नहीं है एडिट वगैरह करने की, बट एडिट तो मुझे करना होगा। आज तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, बट कल से मैं रेगुलरली रोज एक एक करके वीडियो अपलोड करूंगी, बिकॉज बहुत ही मैं रेगुलर हो गई थी। अभी 9 बज चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी चेंज करूंगी और मुझे बिग बॉस देखना है। आई लव बिग बॉस, मुझे बिग बॉस मिस नहीं करना। अभी मैं बिग बॉस देखूंगी, उसके बाद मैं रात को एडिट करूंगी और कल मुझे अपलोड करना ही है, मैं ज़रूर अपलोड करूंगी। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड बस अभी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बाय। अभी बज चुके हैं रात के 11 और अभी मुझे डिनर करना है, उसके बाद मुझे एडिटिंग करना है, उसके बाद मैं सो जाऊंगी और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूंगी। एकदम एनर्जी नहीं है मेरे पास अभी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, शायद थोड़ा सा ठंड भी लग गया है मुझे। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूंगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज की ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आया हो और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखना है देन लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड अगर आप नए हो चैनल पर देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरे सब नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।